हेलो स्टूडेंट्स, इतना सेकंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी लेखपाल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो हम लेकर के आए हैं, और इसमें जो अभी प्रीवियस ईयर के जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं आज हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो ये सभी आए हुए क्वेश्चन हैं, जिससे कि आपके जो भी आगे आने वाले एग्जाम है उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इस जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं हर एक वीडियो में, वो सभी आप वन बाय वन रिवीजन करते रहें, जिससे कि जैसे कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो भी जानने वाले लोग हैं उनके साथ हमारे चैनल को शेयर कर दें, जिससे कि वो भी हमारे चैनल के द्वारा जो भी बताए गए क्वेश्चन है उसको देख सकें। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है हम देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक कार्य को पूरा करने में 6 घंटे का समय लेता है, उसी कार्य को पूरा करने में बी 12 घंटे का समय लेता है। ए जो है कितना समय लेता है? 12 घंटे का। ए जो है 6 घंटे का समय लेता है और बी 12 घंटे का समय लेता है, तो दोनों मिलकर के कितना समय लेंगे उसी काम को करने के लिए? पूरा काम क्या हुआ, एलसीएम निकाल लेते हैं, 12 हो गया, ठीक है। 6 के 1 दिन का काम कितना हुआ? 2। और ए के 1 दिन का काम 2 यूनिट और बी के 1 दिन का काम 1 यूनिट हो गया, ठीक है। दोनों मिलकर के 1 दिन में कितना काम करेंगे? 3 यूनिट काम करेंगे, और पूरा काम कितना है? 12 है। दोनों मिलकर के 1 दिन में 3 यूनिट काम करेंगे, कितना दिन लगेगा? 4 डेज लगेंगे, ठीक है। ए और बी मिलकर के अगर काम करेंगे तो कितना डेज लगेगा? 4 डेज लगेगा, 4 दिन लगेंगे, ठीक है। वैसे ये जो है घंटे में था, टाइम घंटे में ये दे रखा है कि ए 6 घंटे में कर सकता है और बी 12 घंटे में कर सकता है, तो टोटल कितना यूनिट काम हुआ? 12 यूनिट काम हुआ। ए और बी दोनों मिलकर के कितने 1 दिन में 3 यूनिट काम करना है, तो 12 यूनिट काम करने के लिए उसको कितने घंटे लगेगा? 4 घंटे लगेंगे, ठीक है, 4 आवर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा, 4 आवर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 144 तथा लघुत्तम समापवर्तक 864 है, एक संख्या 96 हो 96 तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो एलसीएम और एचसीएफ, एक का एलसीएम जो है वो है 864 और एचसीएफ 144, और एक संख्या फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर जो है 96 है, सेकंड नंबर फाइंड करना है। फार्मूला होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर 96, सेकंड नंबर फाइंड करना है, इज इक्वल टू 864 इंटू 144 अपॉन 96, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 16 9 जा और 16 6 जा, इसको फिर कैंसिल आउट करेंगे, 6 1 जा 6 और 2 8, 16 4 जा 6 4 जा 24, 2 फिर 6 4 जा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 36 6 और 3 कैरी और 36 3 39, 1296 क्या जाएगा? 1296 आ जाएगा। तो इसमें सेकंड नंबर जो है 1296 होगा, ऑप्शन कौन सही होगा? ऑप्शन होगा सी सही, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है। यदि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 33 है, 5 क्रमिक संख्याएं हैं जिनका औसत 33 है, तो उन क्रमिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 5 क्रमिक संख्याओं का औसत है 33, तो औसत जो दे रखा है मतलब अगर हम लेते हैं क्रमिक एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4 लेते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया। अब सब अगर देखें औसत एवरेज दे रखा है तो क्या होता है सम ऑफ द नंबर? एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 अपॉन 5 इक्वल टू क्या दे रखा है? दे रखा है औसत 33 दे रखा है। अब इसको ऐड करेंगे क्या हो जाएगा? 5x प्लस 10 इक्वल टू 165। अब 5x इक्वल टू 165 माइनस 10
तो 5x इक्वल टू 155, x इक्वल टू 31, मतलब एक नंबर क्या हो जाएगा 31, 32, 33, 34 और 35। तो इसमें क्या पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या 35 होगी, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो उन क्रमिक संख्याओं सबसे बड़ी संख्या 35 डी सही होगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 3% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपए उधार लिया, तो 2 वर्ष के पश्चात उसे कितने रुपए चुकाने होंगे, मतलब कि अगर प्रिंसिपल उसने पहला जो मूलधन लिया प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपए लिया है, 2 वर्ष के पश्चात वापस करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 3% का है, तो वापस करेगा तो 10,000 के साथ साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वापस करेगा, जितना होगा ब्याज होगा वो भी वापस करेगा, 10,000 पे 3% कितना होगा 300 होगा। उसके बाद इस पे दूसरे साल भी 300 होगा, और दूसरे साल इस पे भी लगेगा 3%, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो कितना वापस करना पड़ेगा, कितना हो गया इंटरेस्ट 300 और ये प्लस 9 कितना हो जाएगा 609 हो जाएगा, ये तो इंटरेस्ट हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, और प्लस 10,000 और है, तो 10,000 प्लस 609 कितना हो जाएगा 10,609 हो जाएगा, वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी 10,609। तो ये फर्स्ट ईयर का था और ये सेकेंड ईयर था, फर्स्ट ईयर 3% इसी पे लगेगा, सेकंड ईयर भी 3% लगेगा, लेकिन सेकंड ईयर में जो पहले साल का जो ब्याज मिल चुका है उस पे भी दूसरे साल में लगेगा इंटरेस्ट, 3% इस पे भी लगा के निकालेंगे। ठीक है, इस तरह 3 साल का होता है, 3 साल का जब होगा इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, मतलब इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा और इसके वाले इंटरेस्ट पे भी लगेगा। ठीक है, 3 साल का आएगा तो उसका भी हम बताएंगे, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर वो सी सही होगा 10,609। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि एक कार का मूल्य 1,00,000 रुपीज है, 1,00,000 रुपए है, और उसे 10% की दर से प्रतिवर्ष मूल्य ह्रास हो रहा है, ठीक है, डेप्रिसिएशन उसमें 10% के रेट से हो रहा है, तो 5 वर्ष के पश्चात उसमें कितना मूल्य ह्रास, मतलब कि डेप्रिसिएशन हो जाएगा, मान लो 1,00,000 रुपए है, हर साल 10% का होता है, फर्स्ट ईयर में 10% का हुआ, 10 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 1 लाख का 1 लाख है, तो 1 लाख का 10% अगर निकालेंगे तो 10,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90,000, फिर 10% का फिर हुआ, फिर कितना हो जाएगा 81,000, क्योंकि 10% 9 क्या होगा 9,000 होगा, तो माइनस कर देंगे 9,000, अब फिर इस पे निकालेंगे 10%, तो क्या हो जाएगा 8100 हो जाएगा, तो 8100 माइनस कर देंगे तो क्या होगा 100, ठीक है 72,900 आएगा। फिर नेक्स्ट 10% निकालेंगे, इसका जो 10% निकालेंगे तो 72,900 का अगर 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7,290 हो जाएगा, 7,290। अब इसको माइनस कर देंगे 1 और 65,610, 1, 2, 3, 4 और 5 ईयर्स के बाद, ठीक है क्या निकालना है 5 ईयर्स के बाद का निकालना है, तो इस पर 10% निकालेंगे, इस पे जब 10% का निकालेंगे कितना है 65,610, इस पर 10% का निकालेंगे 6,561 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 65,610 तो 6561, ठीक है क्या आ जाएगा 59049।
49, तो इतना आ जाएगा 59049, ठीक है, ये आ जाएगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 साल के बाद। तो आप सर इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज वैसे भी निकाल सकते हैं कि क्या है 10,000 है, सॉरी 1 लाख है, 1 माइनस 10 अपॉन 105, इससे भी हम निकाल सकते हैं, इससे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटू 90 अपॉन 100 इस तरीके से करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वहां क्या इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है, 59049, इतनी जो है उसकी 5 साल के बाद इतनी वैल्यू होगी उस कार की, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आप डेप्रिसिएशन पे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं वो आप क्वेश्चन को अच्छे से आप प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको